देखिए, कुल मिला के हमारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल था। जब फौजिया जी ने कहा कादर साहब को लेना है, तो दिमाग में अपने आप कुछ बत्तियां जल गईं। कादर खान का मतलब है पूरी फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह को लेना। बादशाह कहने को और बहुत सारे लोग होते हैं, पर अगर सचमुच आप देखें हंसी का अगर कोई बादशाह है तो वो कादर साहब हैं। वहाँ से बात शुरू हुई कि ये अभी हज पे भी गए थे, लौट के आए, काम करेंगे नहीं करेंगे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखे। पर जब इन्होंने फौजिया जी से कहा कि मैं काम करूँगा और फौजिया जी ने इनको मनाया, तब हम लोगों ने इस स्क्रिप्ट को इनको बेस करके बनाया पूरी फिल्म के। आपने ये पोस्टर देखा होगा, कादर खान साहब के सर के ऊपर सारे लोग बैठे हुए हैं, पूरी कहानी है। तो ये एक आपको स्टोरी और स्क्रिप्ट दोनों का आइडिया दे देती है। दूसरी चीज़, जितने लोग साथ में आए, इस फिल्म की खासियत एक ये है कि ये फिल्म, आपने दो तरह की फिल्में देखी होंगी, एक वो जो मुंह टेढ़ा करके नाच के कूद के लाउड एक्टिंग करके हंसाते हैं, आज के जमाने में उसको स्लैपस्टिक कहते हैं। हमारी फिल्म में स्लैपस्टिक है नहीं। जी जी, हमने जो नेचुरल जो कॉमेडी की वो आपको दिखाने की कोशिश की। और ये ऐसी कॉमेडी है, इसमें कादर खान साहब ने अपने चेहरे से जो कहा है, जो डायलॉग आप देखेंगे, उससे आदमी को हंसी आ जाती है। और ये बेसिकली एक ऐसा जॉनर है जो अच्छा, इसमें कोई डबल मीनिंग डायलॉग नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि फिल्म शुरू हो और किसी बाप को लगे कि मुझे बेटी के साथ नहीं देखना, या भाई को लगे कि मुझे बहन के साथ नहीं देखना। ये शुद्ध सिंपल एक्टिंग को बेस करके और डायलॉग को बेस करके फिल्म बुनी गई है, और शुरू से लेकर आखिर तक ये फिल्म हंसाती है। कादर खान साहब पिता हैं, इनके तीन बेटे हैं, तीनों नालायक हैं। और कादर खान साहब को लगता है, जो आजकल हर बाप को लगता है, कि बाप होना पाप है। कि आजकल अगर आप बाप हैं तो बेटा नहीं मानता कि आपने कुछ किया है। हर 40 साल से उम्र का आदमी इस पीड़ा से ग्रसित है कि मैं खामोखा पैदा हो गया, उसको लगता है। बेटा कहता है कि इसने अगर ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप अगर 5,000 कमाते हैं तो आप 50,000 ऐसे कमा सकते थे, 5,00,000 आपने कमाए 5 करोड़ कमा सकते थे। बाप की कोई इज्जत फैमिली में है नहीं, खासकर बेटों की नज़र में। तो कादर खान साहब उनको कैसे सुधारते हैं, उन बच्चों को, मोटे तौर पर ये कहानी है। और स्क्रिप्ट इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई चलती हैं। मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन इसको चूँकि पता नहीं कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने महसूस किया होगा, वेव्स आती हैं, नाम से भी वेव्स आती हैं। जैसे आप गांधी का नाम लेते हैं, आपके मन में कुछ होता है। आप चार्ली चैपलिन का नाम लेते हैं तो मन में कुछ होता है। उसी तरीके से कादर साहब का नाम लेते हैं तो मन में कुछ होता है। अभी जितने कॉमेडियंस हैं वो पैरों में बैठने लायक नहीं है, लेकिन कॉमेडी कर रहे हैं। तो कॉमेडी अगर सीखनी है तो मेरा अपना ये मानना है, जो आखिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कादर खान साहब के पैरों में ही बैठ के सीखी जा सकती है। वो किसी और के साथ बैठ के कॉमेडी आप सीख लें, इट्स इम्पॉसिबल। शमा, मेरी फिल्म एक थी शमा, उसको भी मैं फौजिया आरसी की फिल्म कंपनी के थ्रू ही प्रोड्यूस करूँगा। क्या बात है, तो आपने फौजिया को दो फिल्में दे दी, परछाई भी और शमा भी। शमा भी, फौजिया को दोनों फिल्में देने का के पीछे क्या, ऐसा क्या इन्होंने किया जो आपके आपको इतना भरोसा हुआ? डेडिकेशन और ईमानदारी और काम से लगाओ, ये तमाम तीन ये चार चीज़ें बहुत अच्छा था। दिमाग का दही हो गया दिमाग का दही, आपने दही बना दिया मेरे दिमाग को। Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hangama. Keep on watching.